मेरी एज 28 इयर्स है, लगभग 4-5 महीने पहले मेरा बाइक से गिरने से एक्सीडेंट हो गया था और मेरे राइट शोल्डर में फ्रैक्चर आ गया। फ्रैक्चर जब ठीक हुआ उसके बाद से मेरे राइट हैंड के मूवमेंट सब रिस्ट्रिक्टेड थे, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट बिल्कुल भी फ्रीली मूव नहीं हो पाते थे और जो डेली रूटीन के एक्टिविटीज हैं वो करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। आज से लगभग 1 महीने पहले मैं फिजियोक्योर के सेंटर पर आया फिजियोथेरेपी के लिए कंसल्ट करने और तब से मैंने यहाँ पे फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मुझे एक्सरसाइजेस बताई गई और करवाई गई रेगुलर बेसिस पर उनसे मेरे सभी मूवमेंट्स में काफ़ी आराम मिला। इनिशियल डेज में जो मुझे दर्द था हाथ मूव करने में, हाथ उठाने में, सबसे पहले उस पर फोकस किया गया। जब धीरे धीरे पेन कम होता गया तब मेरे हाथ की स्ट्रेंथ पर भी फोकस किया गया और अभी मैं काफ़ी आराम से अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज कर पा रहा हूँ और मेरे हाथ की स्ट्रेंथ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नोटिस कर पा रहा हूँ। अभी मेरे सेशंस में बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि कर सकते हैं उन पे फोकस किया जा रहा है सो दैट मैं आगे जाकर भी अपनी जो मिनिमम बेसिक एक्सरसाइजेस हैं वो कंटिन्यू कर सकूं। मुझे फिजिक्योर पर ट्रीटमेंट लेकर बहुत अच्छा लगा एंड बहुत कंफर्टेबल फील हुआ और जो मेरी स्पीडी रिकवरी जो हुई है उस काफ़ी स्पीडी हुई है, मतलब उसकी वजह से मुझे मेरे ऑफिस के कार्य और जो डेली रूटीन रहे वो भी मैं बहुत जल्दी से फिर से नॉर्मल सी की तरफ आ पाया हूँ। मैं फिजिक्योर टीम को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा और किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को अगर कुछ पोस्ट इंजरी ट्रीटमेंट या कोई भी तकलीफ होती है ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड या फिजियोथेरेपी रिगार्डिंग, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं।